हेलो, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी इस क्लास में। थोड़ा सा शेयर कर दो और थोड़ा सा लाइक कर दो, फिर हम शुरू करेंगे अपना आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या करेंगे? करंट अफेयर्स, और जो कि होने वाला है हमारा चलो बच्चों, आ जाओ और फिर हम शुरू कर दें अपना आज की अगस्त महीने की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को कवर करवा सकूं। ठीक है, तो किरण सिंह, करण सिंह, राम राम, वैशाली हेलो, अंशु भारद्वाज हेलो, मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ। आशु, मार्च ही करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ नहीं मिली पीडीएफ सारी अपलोड है, एक बार जाके ध्यान से देखो उसको। सर, ऐप पर बैकअप वीडियो ना दिल्ली पुलिस की? हाँ, दिल्ली पुलिस में इसकी बैकअप वीडियो आपको कल शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, सुमित सरोहा कह रहे हैं कि अब तो सो जाओ, अभी सोएंगे आज की ये सबसे लंबी क्लास मेरी रही। हेलो एकीएस, हेलो राधे राधे। जीएस बैच कब लाओगे? किस चीज़ का जीएस? जीएस स्पेशल, हमारा जो जीएस स्पेशल 06 है वो भी स्टार्ट हुआ है, तो 28 तारीख को वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से शेयर करो, फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, यानी कि हमारी जो समसामयिक की घटनाएं हैं अगस्त महीने की, पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से देखो। हमारा पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का: फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को समग्र डेल्टा रैंकिंग में अक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग फॉर द फरवरी टू जून 2020 पीरियड? ये इतना कुछ जो लिखा गया है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि नीति आयोग एक रैंकिंग निकालता है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप देखो कि फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ की किस जिले को अपने डेल्टा रैंकिंग में सबसे नंबर वन रखा है? रायपुर, बिलासपुर, बीजापुर, बस्तर या फिर रायगढ़? ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर करो इसका। और ये रहा हमारा आंसर आज का, इसका सही आंसर है कि बीजापुर को, छत्तीसगढ़ का जो जिला है बीजापुर, इसको नंबर वन रैंक मिली है। ये देखोगे आप, यहाँ दक्षिण में है एकदम। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने फरवरी से जून के पीरियड के अवधि के बीच में जो सरकारी थिंक टैंक है उस नीति आयोग का उसने डेल्टा रैंकिंग में अपनी जो सूची है उसमें नंबर वन पोजीशन पर वो पहुंचा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड में 33वें बील इंटरनेशनल शतरंज फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है? रिसेंटली विच चेस प्लेयर हैज फिनिश्ड सेकेंड इन रैपिड सेक्शन फॉर द 53rd बीएल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड? ठीक है, आपके ऑप्शंस इस प्रकार के हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके? ऑप्शंस हैं कोनेरू हम्पी, बास्करन अभी आदिबन। कौन कौन से? कोनेरू हम्पी नंबर वन ऑप्शन है, बास्करन आदिबन,
कृष्णन शशिकिरण पी हरिकृष्णा और हरिका द्रोणावल्ली आपके ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से आंसर करो ताकि आपको पता चल सके। जैसे सोनिया रोहिला कह रही है पी हरिकृष्णा और रितिका यदुवंशी ने कहा है कोनेरू हम्पी, राधा रॉय ने भी कहा है हम्पी, पवन गुप्ता ने कहा है पी हरिकृष्णा और अजय सिंह ने कहा है आपका इसका ए ऑप्शन यानी कि कोनेरू हम्पी इसका राइट आंसर है। तो चलो देखें इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है पी हरिकृष्णा। पी हरिकृष्णा ये लड़का है जिसने ये सेकंड पोजीशन पे आया है, ठीक है। कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे ये पहुंचा है भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा। स्विट्जरलैंड में ये जो इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव है ये चल रहा था तो ये सेकंड पोजीशन पे आया है। और जो फर्स्ट पोजीशन है उनकी उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीती है वो है पोलैंड देश के, कहाँ के? पोलैंड के हैं, उनका नाम है रोडा स्लो उनका नाम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीती हैं, पोलैंड देश से बिलोंग करते हैं। ये बेचारे सेकंड पोजीशन पर रहे हैं, इंडियन हैं, फर्स्ट इंडियन हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश के लिए पावर प्लांट के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड $200 मिलियन फाइनेंसिंग डील विद रिलायंस फॉर पावर प्लांट ऑफ विच कंट्री। यानी कि जो रिलायंस आपका मोबाइल वगैरह बनाता है वो अब क्या करेगा, वो पावर प्लांट भी बनाएगा मगर किस देश के लिए, आपको ये यहां बताना है। और उसको जो पैसे देगा वो देगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। इसके बारे में पिछले जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में काफ़ी डिटेल्स में गए हैं हम। इसके अध्यक्ष कौन हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस की हैं। तो अभी इसके बारे में एक और चीज़ ये है कि ये बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका या भूटान में एक पावर प्लांट बनाने के लिए वो रिलायंस को $200 मिलियन दे रहा है। तो आपको बताना है किस देश के लिए, ठीक है। तो जैसे पवन गुप्ता है इन्होंने कहा है बांग्लादेश और बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश बोल रहे हैं, जैसे ओम प्रताप सिंह, अंकित भगत, कुणाल किशोर, तो सभी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बांग्लादेश ही है। तो बांग्लादेश में जो पावर प्लांट बन रहा है जिसकी जो फाइनेंस जिसको किया है वो है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसको बनाएगा कौन? रिलायंस। कौन बनाएगा? रिलायंस बनाएगा। तो रिलायंस कंपनी के साथ $200 मिलियन का समझौता किया है ADB ने और बांग्लादेश में ये पावर प्लांट वो बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने आयोग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को यानी कि ITBP को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बस आपको ये बताना है कि ITBP का जो हेडक्वार्टर है या जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? क्या वो मुंबई में है, हैदराबाद में है, देहरादून में है, लखनऊ में है या फिर वो नई दिल्ली में है? आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ कि कहाँ पर है, मुंबई, हैदराबाद, देहरादून, लखनऊ या नई दिल्ली, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट करो और बताओ कि कहाँ पर है। मोस्टली आप लोग बोल रहे हो कि सर जी वो तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और कुछ लोगों ने हालांकि आंसर किया है कि वो मुंबई में है। तो मोस्टली जो आप सही कह रहे हो, जो सभी आप लोग कह रहे हो, वो है आपका सही आंसर नई दिल्ली। कहाँ पर है? ITBP का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली, ठीक है। चलो, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ITBP को सरसों के तेल की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किए हैं। अब खास बात यह है कि जो चीफ ऑफ आईटीबीपी हैं उनका नाम है एसएस देसवाल। क्या नाम है? एसएस देसवाल, यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल उनका नाम है जो चीफ ऑफ आईटीबीपी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले जल्दी से। हाल ही में फ्रांस के 36 राफेल फाइटर जेट्स में से पहले 5 भारतीय वायुसेना के किस एयरबेस स्टेशन पर उतरे हैं? मतलब अभी हमें जो डिलीवरी मिली है 36 राफेल फाइटर जेट्स में से, जो हमने पहली डिलीवरी ली है वो 5 की, तो आपको बताना है इसमें से, आपको खैर आप सबको ये पता ही होगा कि कहां पर उतरे हैं, तो आपको बताना है कि रिसेंटली द फर्स्ट 5 ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट विच एयरबेस स्टेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स? चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन, आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन और अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन। तो आप लोगों ने बताना है कि ये जो पहले राफेल विमान हमें मिले हैं 5, ये कहां पर उतरे हैं? तो आप लोगों ने सब ने एक तरफ से बोल दिया है कि अंबाला में उतरे हैं। कहां पर? अंबाला में। ठीक है, तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ये उतारे गए हैं। तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आप, ये राफेल जेट है जो अंबाला में उतारा गया है, मतलब जो पहला बैच मिला है 5 फाइटर जेट्स का, वो कहां उतारा गया है? अंबाला में उतारा गया है। तो आप सभी का आंसर सही था, एकदम मुबारक हो सभी को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने 2 महीने का अभियान कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड ए 2 मंथ कैंपेन कोना कोना उम्मीद? ये आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं। इससे पहले कि आप इसके ऑप्शंस पर गौर करो, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोना कोना उम्मीद क्या है। कोना कोना उम्मीद नाम की जो कैंपेन है वो COVID-19 से जूझ रही भारतीय इकोनॉमी में और भारतीय लोगों को लोन देने के ऑफर्स हैं या फिर अपने अकाउंट्स ओपन करने के ऑफर्स हैं, जो कि काफ़ी लुभावने हैं, काफ़ी सस्ती दरों पर वो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, या आपको काफ़ी इंटरेस्ट रेट पर वो क्या दे रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट रेट पर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहे हैं। तो इसमें से आपको बताना है, चूज करना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने चलाया था 2 महीने के लिए कोना कोना उम्मीद कैंपेन। लक्ष्मी विलास बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक या इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोटक महिंद्रा, कुछ बोल रहे हैं ICICI बैंक, और कुछ ने तो हमें करूर व्यास बैंक का ऑप्शन भी दिया है कि सर इसने ये काम किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपका राइट आंसर है या नहीं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपका जो सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 महीने का अभियान कोना कोना उम्मीद ऑफर डिस्काउंट्स के साथ लॉन्च किए हैं, मतलब इसने ग्राहकों को काफी ऑफर्स दिए हैं इस कोना कोना उम्मीद ऑफर में। तो किसने चलाया है? चलाया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि हाल ही में छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? हाल ही में छठवें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो आप लोगों को बताना है कि रिसेंटली 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ विच कंट्री? इससे पहले कि आप अपना आंसर चुनो, मैं आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये इसके ऑप्शंस तो हैं ही, वो आप देख ही लोगे। मैं आप लोगों को बता दूं यहां कि ब्रिक्स पहले जाना जाता था ब्रिक के नाम से। किसके नाम से? ब्रिक के नाम से। और इसमें जो शामिल थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था ब्रिक। ठीक है, क्या नाम था? ब्रिक। ये सारे के सारे इसके संस्थापक सदस्य हैं, ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। मगर बाद में इसमें एक और देश जोड़ा गया
जिसे जिसका नाम है एस, यानी कि साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका को बाद में इसमें ऐड किया गया, ठीक है, और अब ये ब्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिक्स कहलाता है। इन पांच देशों में से साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जो कि उसका संस्थापक सदस्य नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, यानी कि रूस। क्या इसका जो दूसरा ऑप्शन है रूस, वो सही आंसर है? बहुत सारे लोग आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने इसका सही आंसर चुना है कि रूस की अध्यक्षता में, रूस की ही अध्यक्षता में ये छठा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी, और भारत की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया वो ये थे प्रकाश जावड़ेकर, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने छठे ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। और कैसे हुआ था? मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हुआ, और इसकी अध्यक्षता की रूस ने, ठीक है। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये सामने रहा आपके, हाल ही में कौन सा बैंक परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब देश बना, यानी कि रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू ओपन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन या कुवैत? सऊदी अरब, यूएई, कतर या बहरीन या फिर कुवैत? आप लोग जल्दी से आंसर करो। और बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने एकदम इसका सही आंसर चूज कर भी लिया है मेरे बताते ही, मेरे बोलते ही। वो बोल रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात इज ए राइट आंसर, संयुक्त अरब अमीरात ही इसका एकदम सही आंसर है। तो मुबारक हो आप सबको। तो यूएई ये रहा जिसकी शानदार बिल्डिंग है, आप यहां देख सकते हो, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहला अरेबियन कंट्री है जिसके यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इसने शुरू किया है। इसके अलावा किसी और अरेबियन कंट्री ने ये स्टार्ट नहीं किया है। इससे पहले इस यूएई से रिलेटेड एक और फैक्ट मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो यूएई है, ये यूएई ऐसा पहला अरेबियन कंट्री बन गया है जिसने एक मंगल मिशन भेजा है। किस नाम से? होप नाम से। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि होप नाम से इसने अपना एक मार्स मिशन भी भेजा है, और ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश बन गया है, अरबी देश बन गया है पहला जिसने मंगल पर अपना मिशन भेजा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसका, दूसरा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र ओपन करने वाला, खोलने वाला ये पहला अरब देश बन गया है होप के बाद। ये इसकी दूसरी अचीवमेंट है, होप के बाद ये उसकी दूसरी अचीवमेंट है कि उसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोला है। इसके अलावा मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था, यहां मैंने बताया था कि चाइना ने भी अपना एक मार्स मिशन भेजा है जिसका नाम है ट्वेन वान फर्स्ट। चाइना ने भी अपना एक मार्स मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में साधना शीर्षक से एक पुस्तक जारी की है जिसके लेखक कौन है? आपको बताना है कि इनमें से उस बुक का नाम, उस बुक के जो राइटर हैं वो कौन से हैं जिसका विमोचन किया है, जिसका इनॉग्रेशन किया है नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको बताना है कि उस मुख्यमंत्री ने जिस सियासत में साधना नाम की पुस्तक को जारी किया है उसके राइटर कौन है? विजय कुमार चौधरी, अमीश त्रिपाठी, सुनील त्रिवेदी, प्रमोद मेहता या फिर रवि शास्त्री? तो आपको इसका आंसर देना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मुझे बताइए कि इसके जो राइट आंसर है वो कौन सा है? विजय कुमार चौधरी, अमीश त्रिपाठी, सुनील त्रिवेदी, प्रमोद मेहता या फिर रवि शास्त्री? तो बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं आपका विजय कुमार चौधरी इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। विजय कुमार चौधरी इज ए राइट आंसर, आप लोग ये बोल रहे हो। तो विजय कुमार चौधरी की खास बात यह है
कि विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं ये विजय कुमार चौधरी। इसकी खास बात ये भी है, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है सियासत में साधना का विमोचन किया है, ठीक है। किसने लिखी है? वो स्पीकर हैं, वो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी है और उसका विमोचन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? द प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर नोबेल प्राइज विनर जॉन ह्यूम वाज पास्ड अवे, ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। आपको बताना है कि उनको किस फील्ड में, उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, या फिर उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी अभी हाल ही में रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो आपको मुझे ये बताना है कि इनको किस चीज में मिला है। इससे पहले हालांकि मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी जिसका आप पर असर भी होता हुआ दिख रहा है, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर किसी पॉलिटिशियन को, किसी राजनेता को कोई नोबेल प्राइज मिलता है तो 99% वो उसको मिलेगा शांति के लिए। जैसे बराक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद उनको नोबेल प्राइज मिल गया था शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है। तो वैसे ही इन व्यक्ति को भी क्या मिल गया था? शांति का यानी कि पीस का जो नोबेल प्राइज था ये इनको प्राप्त हो गया था। चलो इसके अलावा कुछ एडिशनल हम देख लें थोड़ा सा। इसके एडिशनल ये है कि मुझे आप लोगों को ये बताना है, आप लोग मतलब आप मुझे ये बताओ कि आपने तीन चीजें अक्सर सुनी होगी। एक आपने सुना होगा इंग्लैंड, एक देश आपने सुना होगा कि ये इंग्लैंड है, ठीक है। एक आपने सुना होगा ब्रिटेन, क्या सुना है? ब्रिटेन। और एक आपने सुना होगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये तीन जो चीजें हैं, ये तीन जो जगह हैं, क्या ये एक ही है या फिर ये अलग अलग हैं? अगर एक हैं तो कैसे एक हैं, और अगर ये अलग अलग हैं तो कैसे ये अलग हैं? आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दो कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है। ये मैंने ऐसे ही नहीं पूछ लिया कि ऐसे ही पूछने के लिए पूछ लिया है आप लोगों से, इसका बेसिकली अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेशन है, उससे लिंक है, इस वजह से मैंने आप लोगों से पूछा है। तो जल्दी से मुझे बताओ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, वीरेंद्र सिंह जाट, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, इसका आंसर करो कि क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग हैं, जल्दी से बताओ। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, बहुत लोग कहीं इंग्लैंड इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं यूनाइटेड किंगडम इस्तेमाल कर देते हैं, कई बार वो ब्रिटेन लिख देते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये एक ही हैं, उनमें कोई फर्क उनको नहीं पता है, ठीक है। यूके में दोनों आते हैं। अच्छा, ठीक है श्रीराम गुप्ता, थैंक यू। चलिए देखते हैं कि दोनों में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जल्दी से, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है और अब पता चलता है तो ऐसा कोई ना बचे तुम लोगों में से जिसने इसको लाइक नहीं किया है इस वीडियो को। चलो ठीक है, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड एक देश है, सिर्फ एक कंट्री है, ठीक है। क्या है? एक कंट्री है आपका इंग्लैंड, एक देश है। बट अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, मतलब कई देशों का समूह है। और कितने देशों का समूह है? तीन देशों का समूह है। किस किस का? इंग्लैंड का। किस किस का? एक तो है इंग्लैंड, जिसमें एक देश है इंग्लैंड, एक है इंग्लैंड, दूसरा एक है स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड। इसमें जो दूसरा देश है वो है स्कॉटलैंड। इसमें जो तीसरा है वो है वेल्स। ये तीन देश जब मिलते हैं तो बनता है आपका ब्रिटेन। क्या बनता है? ब्रिटेन। और अगर इन तीन देशों में
एक देश और शामिल हो जाए जिसको आप कहते हो नॉर्थ आयरलैंड, अगर उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल हो जाता है तब आप इसको कहना शुरू कर देते हो कि ये यूके है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है, इंग्लैंड सिर्फ एक देश है मगर ब्रिटेन देशों का समूह है। किन देशों का? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स क्या को सामूहिक रूप से ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। वहीं अगर आप यूके की बात करोगे तो यूके में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल होते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्यों समझाया, क्यों बताया? क्योंकि अभी अभी जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वो कहां का है? उत्तरी आयरलैंड का है, यानी कि ये यूके के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तीनों में ये बेसिक डिफरेंस था, आप लोगों को शायद नहीं पता था, तो ये अभी देखो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अब इसको भूलना मत। ठीक है, चलो मुझे अभी पढ़ाते हुए कंटिन्यूअसली 9 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, मैं 9 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ये लगातार क्लास है मेरी और मैंने बीच में अभी कोई खास ब्रेक नहीं लिया है। तो चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, ये आप लोग बता ही चुके हो। तो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, एक बुक लिखी गई है, एक बुक लिखी है इन व्यक्तियों में से किसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। क्या नाम है? विशेष कोड टू विन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये इसका आंसर आप दो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विशेष है ये विशेष एक व्यक्ति का नाम है और ये है भारत का बास्केटबॉल प्लेयर। क्या नाम है? बास्केटबॉल प्लेयर है, भारत का यंगेस्ट कैप्टन है, भारत का सबसे यंग कैप्टन है विशेष, और इनकी ही लाइफ पर आधारित है ये बुक विशेष जिसका नाम है कोड टू विन। क्या नाम है? कोड टू विन। तो बास्केटबॉल प्लेयर है भारत के यंगेस्ट सबसे युवा कप्तान है जिसका नाम है विशेष। फोटो मैं अभी आप लोगों को दिखाई दूंगा। तो आपको बताना है उनके जीवन पर ये जो किताब लिखी गई है वो किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, निरुपमा यादव, एस जयशंकर या शशि थरूर। ठीक है तो जल्दी से आंसर करो इसका, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, निरुपमा यादव, एस जयशंकर या शशि थरूर। तो कुमार संतोष पटेल कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन है, और प्रतीक्षा कुमारी तीसरा ऑप्शन, प्रशांत कुमार तीसरा ऑप्शन, रितिका यदुवंशी, निरुपमा, राधा रॉय ने कहा है निरुपमा, सोनिया रोहेला निरुपमा। एक तरफ से आपने एक ही ऑप्शन चूज कर लिया है, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या है इसका आंसर? निरुपमा यादव ने ये बुक लिखी है। ध्यान दीजिए, स्पेशली ये जो बिहार वाले हैं ये ध्यान दो, क्योंकि इनके जो सिलेबस है, इनका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें बुक और उनके ऑथर स्पेशली मेंशन है, तो उनके लिए स्पेस तौर पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी बुक उसके राइटर और उसके पब्लिकेशंस की बात होती है वो उनके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको स्पेशल ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये वे व्यक्ति हैं जिनका नाम है विशेष, और इन्हें और इनको जो लिखने वाली हैं वो है स्पोर्ट्स वुमेन और लेखिका निरुपमा यादव ने ये लिखा है, और ये भारत के सबसे यंग फुटबॉल बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिनके लाइफ पर ये बुक लिखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के अगले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? हाल ही में उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के अगले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? इससे पहले की करंट अफेयर्स आप लोग पा सकते हो केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त की तो ये है ही, इससे पहले भी आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिल जाएगी, जिसमें मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया है कि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था GC मुर्मू। क्या नाम था उनका? GC मुर्मू उनका नाम था, उनका नाम था GC मुर्मू, जो कि
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब इनको हटा दिया गया है और इनको हटाकर बना दिया गया है कैग। भारत के महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? जीसी मुर्मू बनाए गए हैं। और इनमें से कोई व्यक्ति है जिसको क्या बनाया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। इनमें से कोई व्यक्ति है ऐसा, ठीक है? आपको इसके ये तो बताना ही है, साथ में आपको ये भी बताना है कि कैग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है? आप लोग मुझे बताओगे किस आर्टिकल में ये दिया गया है, जल्दी से बताओ। तो ब्रजेश झा ने कहा है कि इसके राइट आंसर है मनोज सिन्हा, ठीक है? जल्दी जल्दी से आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम होगा अक्सर पूछा जाएगा। तो वेरी गुड, आपने राइट आंसर्स की झड़ी लगा दी है कि आर्टिकल, अभी सिंह गलत कर दिया तुमने, एक गलत कर गया। देखो, जो कैग है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यह दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में, 148 में दिया है, ध्यान रखना। तो खैर, ये आप इसका आंसर दे ही चुके हो, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा, तो देख लेंगे, ये है मनोज सिन्हा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? भाजपा के वरिष्ठ नेता है मनोज सिन्हा, इनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू उनका नाम था, अभी उनको कैग बना दिया गया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है? क्या बताओगे? हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है? कहां के लिए रवाना किया गया है यह मैं बता देता हूं, बिहार के लिए रवाना किया गया है, मगर कहां से वो आपको बताना है। वो बताना है कि देवलाली रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से किया गया है, जयपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान से किया गया है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से किया गया है, या नासिक रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से किया गया है, या फिर आसनसोल रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल से किया गया है, जल्दी से मुझे बताओ। ये तो मैं बता चुका हूं कि पहली स्पेशल ट्रेन है किसानों के लिए। खास बात क्या है? खास बात यह है कि किसान कई बार ऐसी फल सब्जियां उगाता है जो कि बहुत जल्दी से खराब होती हैं, जो कि बहुत जल्दी से खराब होती है, तो उसको पार्सल किया जाता है अलग अलग जगह से, ठीक है, अलग अलग जगह जल्दी से पार्सल कर दिया जाता है, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तो आप लोग मुझे बताओगे, जैसे कि आप लोग मुझे बता चुके हो, कि इसका जो राइट आंसर है वो है देवलाली रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन है? देवलाली रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है? तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, तो ये इसका सही आंसर है। तो देख लेंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के अनुसार किसान रेल सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड के माध्यम से खराब होने वाली वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगा। मतलब किसानों के फायदे की बात क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट है, जो उसने ग्रो किया है, जो उसने उगाया है, वो ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक बिना देरी किए तुरंत पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है? तो कहां से शुरू की गई है भैया? ये शुरू की गई है देवलाली रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, कहां के लिए? बिहार के दानापुर तक के लिए ये स्टार्ट की गई है। देश की अपने आप में पहली किसान रेल है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना,
पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध फिक्शन लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता सर्ली एंड ग्रेव का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थी? आपको बताना है, ये जो लेडी आपको सामने दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर, ये किस देश की थी जिन्होंने ये फेमस लेखिका और पुलित्जर पुरस्कार इन्हें मिला था अपने राइटिंग के दम पर? तो आपको बताना है कि ये कहाँ की राइटर थी, रूस, कनाडा, इटली, अमेरिका या स्पेन। ठीक है, जल्दी से बताओ कि कहाँ की थी। जल्दी जल्दी से बताओ। तो बहुत सारे लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं कि अमेरिका, कुछ इटली, कुछ कनाडा, कुछ रूस, कुछ स्पेन, बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो लेडी हैं ये अमेरिका की लेडी हैं। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता फिक्शन लेखक शिर्ले एंड ग्रेव, जिनकी कहानियां और उपन्यासों में अंधेरे, रहस्य और दीप दक्षिण की सुंदरता दोनों के बारे में बताया गया, इनका निधन हो गया है। वह 91 वर्ष की थी, जिनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑर्लियंस लुसियाना यूएसए में हुआ। ठीक है, तो 91 साल की थी और उनकी अभी डेथ हो गई है। तो चलो, अमेरिका की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने 28 अगस्त 2020 को खराब स्वास्थ्य परिस्थितियों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है? आप लोगों को नाम बताना है, स्कॉट मॉरिसन, सिंजो अबे, बोरिस जॉनसन, सी जिनपिंग या याशुओ फुकुदा। आपको बताना है कि ये वो राष्ट्रपति, ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये कहते हुए रिजाइन कर दिया है, ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि अगर मैं देश के लिए अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता, अपना बेस्ट मैं 100% नहीं दे सकता, तो मुझे इस पद पर बने रहने के मैं लायक नहीं हूं, मुझे इससे रिजाइन कर देना चाहिए, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री को के पद पर रहकर क्या करता रहूं, सैलरी लेता रहूं। ठीक है, एक हमारे वाले नेता हैं, दिल जिगर गुर्दा सब कुछ खराब हो जाएगा फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो आपका राइट आंसर एकदम बिल्कुल सही है, सिंजो अबे इज राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, आई कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर इफ आई कैन नॉट मेक द बेस्ट डिसीजंस फॉर द पीपल, आई हैव डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम माई पोस्ट। ये सिंजो अबे हैं जिन्होंने ये कहते हुए रिजाइन कर दिया है कि मेरी हालत ठीक नहीं है तो मैं लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ये स्टेप एसाइड हो गए हैं, अलग हट गए हैं अपनी पोस्ट, अपनी पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु ने, मतलब अभी अभी 15 अगस्त को हमने इस देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो इस अवसर पर तमिलनाडु ने एक विशेष अवार्ड दिया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक विशेष पुरस्कार दिया है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को। आपको बताना है कि किसको, अंशुला कांत, गीता गोपीनाथ, सुंदर पिचई, सौम्य स्वामीनाथन या फिर निर्मला सीतारमण। आपने बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए ये हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन को शनिवार को, मतलब 15 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। एक्चुअली ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं और इन्होंने राज्य में COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में एक सलाहकार की भूमिका निभाई थी, मतलब जो CM हैं उनको एडवाइस दिया था, उनको सलाह दी थी, तो उसी के लिए इनको क्या दिया गया है, विशेष पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल क्रिस्च का 2020 में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन व्यक्ति ने, रसेल ए क्रिस्च ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इन्होंने कैमरे का आविष्कार किया, इन्होंने लेंस का आविष्कार किया, इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया
स्कैनर का आविष्कार किया या फिर ग्राफिक्स का इस्तेमाल आविष्कार किया, आप लोगों को बताना है कि इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है। तो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। प्रवीण शर्मा, तुम रितिका यदुवंशी के आंसर पर ध्यान मत दो, तुम अपने आंसर पर ध्यान दो, ठीक है। तो रितिका कह रही हैं कि इसका राइट आंसर है कैमरा, और बाकी क्या ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि पिक्सल इसका राइट आंसर है, और कोमल तिवारी ने कहा है कि कैमरे का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो दो भागों में बट गए हैं, कुछ कह रहे हैं पिक्सल, कुछ कह रहे हैं कैमरा, और कुछ कह रहे हैं स्कैनर, ठीक है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था। अभी आप जो मोबाइल खरीदते हो, आप कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरे वाला फ़ोन खरीद सको, ताकि आपकी फ़ोटो अच्छी आए। 48 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 1000 मेगापिक्सल, आप कोशिश करते हो कि अधिकतम मेगापिक्सल का आप कैमरा खरीद सको। वजह ये है कि इन्होंने ही, ये जो व्यक्ति हैं जिनकी अभी डेथ हुई है, इन्होंने पिक्सल जैसा वर्ड इस्तेमाल किया था, इसका आविष्कार किया था। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल ये बताता है कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो फोटो है, वो बहुत छोटे 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 से डॉट से मिलकर बनती है। किसी इमेज में, किसी फोटो में वो डॉट जितने ज़्यादा होंगे, जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो उतनी ही ज़्यादा क्लियर रहेगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हो ये जो फोटो है, इसमें आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये छोटे छोटे से पिक्सल बनते हैं, ये डॉट्स हैं, ये बिंदु हैं, और ये जब एक साथ जुड़ते हैं तो इन्होंने किसका इमेज बना ली है, इसने एक बल्ब की इमेज बना ली है, ठीक है। हाँ, PDF अपलोड होगा, चिंता ना करो, अभी अपलोड बल्कि करवा चुका हूं मैं। सर, ये डिसलाइक किसने किया है? भाई भगवान जाने, आप ही लोग करने वाले हैं, मुझे तो पता नहीं, उनको क्वेश्चन अच्छे ना लगे होंगे, क्या पता। प्रियंका सिंह भूमिहार कह चुकी हैं कि मैं 100 बार पूछ चुकी हूँ, और मैं आपको आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप तक लेट पहुँचा है कि PDF अपलोड होगा, जितनी भी क्लासेस ली जाएंगी सबको अपलोड, सबका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में धनवरंती रथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब किस पुलिस ने, तमिलनाडु पुलिस ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, या फिर दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार जल्दी देख लें। इसका आंसर है धनवरंती रथ की मोबाइल इकाइयों, यानी कि एक वैन में ये छोटा सा हॉस्पिटल होता है, उन इकाइयों के माध्यम से दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं के आयुर्वेदिक मोड का विस्तार करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता हुआ है। मतलब जो पुलिस लाइंस हैं, जहां पुलिस की फैमिलीज रहती हैं, वहां पर ये मोबाइल हॉस्पिटल्स अवेलेबल होंगे, जहां वो क्या करेंगे, दवाइयां देंगे और मरीजों को देखेंगे, आयुर्वेद पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है, जो एक आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता होगा? आप लोगों ने बताना है कि ये जो पेमेंट बैंक्स हैं, इसने एक जन बचत खाता खोला है। क्या खोला है? एक जन बचत खाता इसने खोला है। आपको बताना है कि जो बेस्ड ऑन है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जियो पेमेंट बैंक्स है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक है। आप इससे पहले आंसर दो तो जल्दी से हम बता दें कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है, जो एक आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए नव बैंकिंग अनुभव लाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत में सबसे अच्छी केंद्रीय वित्त पोषित संस्था होने के लिए नवाचार उपलब्धियां 2020 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है,
ठीक है, मतलब सीधे सीधे अगर कहूं कि किस इंस्टीट्यूशन को भारत में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन कहा गया है जो कि सेंटर से पैसा लेता है, यानी कि केंद्र सरकार जिसको पैसा देती है, उन इंस्टीट्यूशंस में से, उन संस्थाओं में से कौन सा सबसे अच्छी रैंकिंग पर आया है, कौन सा सबसे अच्छा संस्थान इंस्टीट्यूट माना गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि IIT मद्रास, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। ठीक है, तो बिना देर किए करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पिछले साल भी और इस साल भी, दोनों ही सालों में ये अवार्ड हासिल किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने दोनों ही बार, यानी कि पिछली बार भी और इस बार भी, पहला नंबर हासिल किया है भारत में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में ये उभर कर सामने आया है। ठीक है, जो कि सेंटर से पैसा लेकर अपना खर्च चलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा तैराक देश का पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी जिसने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीता है, आपको बताना है कि वो कौन सा स्विमर है, दिव्यांग है मतलब अपंग है, तैराक है, स्विमर है, उसने तैर कर एक रिकॉर्ड बनाया है और उसको एक अवार्ड मिला है, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तो आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस तैराक का और स्विमर का क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह लोहिया, माधवी लट, सुयस जाधव, मुरलीकांत पेटकर या शरद गायकवाड़। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करके बताओ मुझे कि कौन व्यक्ति हैं, हालांकि आप पहले ही इसका आंसर दे चुके हो, वेरी गुड, शाबाश। सत्येंद्र सिंह लोहिया इसके राइट आंसर हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया इसके राइट आंसर है। ये व्यक्ति है, पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह ने इतिहास रच दिया है, वो पहले ऐसे दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें? तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हाल ही में असम सरकार ने डारंगल जिले के मंगलदोई में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय को किस बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? सीधी सीधी सी भाषा में मैं आप लोगों से बता दूं कि असम में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी जिसको बोला जाएगा कि वो स्किल यूनिवर्सिटी है, वहां मतलब वहां लोगों की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और वो वर्ल्ड क्लास होगी। ठीक है, बट उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो पैसा इनमें से किसने दिया है? एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको बताना है कि ये किसने किया है। सीधे सीधे से मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने असम में बनने वाले इस वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी के लिए जो फंड है वो रिलीज किया है। ये पैसा इन्होंने दिया है जो कि है करीब 900 करोड़ रुपए। कितने? 900 करोड़ रुपए अवेलेबल करवाए हैं एशियाई विकास बैंक ने, किसके लिए? इस असम में बनने वाली वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है? हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आपका एक और ऑप्शन है उत्तराखंड। एक्चुअली मैं ये विजय पथ योजना में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके घर तक एक रोड पहुंचाने की बात है कि उनके घर तक एक मेन रोड जाएगा, तो इसी को कहा गया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश में, कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके घर तक मेन पक्का रोड जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया है और 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क मिल सकेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल्दी से देख लेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर इज ट्रेड सेंटर टू बी सेट अप इन विच स्टेट? असम, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र? ठीक है, जल्दी से बताना है, असम, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र, कहां पर ये बनाया गया है? तो इसका आंसर बिना देर किए हम देख लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी बचा नहीं है। ये केरल में स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लें, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया है केरल के अंगमाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है COVID-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स? यानी कि COVID-19 के कारण स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है क्या बच्चे इस दौरान सीख पाएंगे? तो देखो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, अभी हम इनको रात को 11:30 बजे तक पढ़ा रहे हैं, रात को 11:30 बजे तक हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सिचुएशन ये है कि सभी बच्चों को स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अभी आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, यानी कि जिसको यूनिसेफ कहते हैं, वो कहते हैं कि COVID-19 बच्चे क्लोजर के कारण सीखना जारी रखने में सक्षम नहीं है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि 463 मिलियन बच्चे अब कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं। 463 यानी कि 463 मिलियन जो बच्चे हैं वो इस COVID-19 की वजह से, स्कूल और कॉलेजेस बंद होने की वजह से, अब वो कुछ भी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे अगस्त महीने के हमारे करंट अफेयर्स। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दोगे, केडी लाइव एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी अभी या कल दोपहर तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। एक एक जो मैं आपको इससे पहले भी जो पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल है वहाँ पर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून और अगस्त की दो दो पीडीएफ होगी वहाँ पर, या फिर जुलाई की भी दो पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं तो जिनको मैं दो दो क्लास लेके कवर करवाया हूँ। यहाँ अगस्त की भी दो क्लास हुई हैं, जून की भी दो क्लास हुई हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्या बुक है बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वही रहेंगे, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, कोई भी बुक ले लो। प्रीवियस ईयर तो जो पेपर जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो क्वेश्चन थोड़ी ना बदल देगा, वो तो कोई भी कोई बुक ले लो, आप सब की सब एक ही जैसी क्लासे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, UPSI एप्लीकेशन पर भी डाल दो, UPSI की जो करंट अफेयर्स है वो मैं अलग से क्लास लूँगा। ठीक है अंकुश, अलग से उसकी क्लास होगी करंट अफेयर्स की एप्लीकेशन पर UPSI के लिए। ज्योग्राफी के लिए जो स्पेशल बैच है इसके लिए मैं बता दूं, ज्योग्राफी के लिए स्पेशल बैच आप ले सकते हो, इसकी जो फीस है वो आपको मिलेगी 499, अभी वो स्टार्ट हुआ है, सिर्फ दो क्लास उसकी अब तक हुई हैं, तो 499 में ये ज्योग्राफी का स्पेशल बैच है जो चलता है 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, अभी दो ही क्लास हुई हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे उसकी फीस मिलेगी 999 रुपये, मगर आपको वहाँ एक कूपन लगाना है KD50 के नाम से, तुरंत फीस आधी हो जाएगी। KD50 के नाम से आप कूपन लगाओगे, ये कूपन अप्लाई करते हैं आपको इस फीस में ज्योग्राफी का स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके उसको परचेज कर सकते हो, अभी शुरू हुआ है, सिर्फ दो क्लास हुई हैं, उसकी बैकअप वीडियो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद क्लास होती रहेगी। चलो तो गुड नाइट सभी को, नमस्कार, मिलता हूं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, चलो बाय बाय।